बहुत कमाल के काम की है, क्योंकि मैं हर मंडे जाती हूँ ना मंदिर, तो उसे लगा कि मम्मा को ना जाना पड़े तो घर में ही शिवलिंग बना दिए। कितना प्यारा लग रहा है देख। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी बज रहे हैं 10, और आज किट्टू का सुबह से ही तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, स्कूल नहीं जा पाई, तो अभी मैं बाहर गई हुई थी, तो अभी मैं आई हूँ तो उसे नाश्ता करवा देती हूँ, क्योंकि सो के थोड़ी देर पहले उठी है वो, क्योंकि लगता है वो कल थोड़ा लेट से नहाए, क्लास स्पोर्ट डे था हमारे कॉलोनी में, तो खेल के वो 3 बजे आई, तो उसके बाद नहा ली, उसके बाद बाल भी नहीं सुखाई, तो लगता है उसकी वजह से लगता थोड़ा ठंड लगी है उसे, तो खैर अभी लेके उल्टी भी आ रही है उसे, उसे नाश्ता करवा देती हूँ फिर जा रही हूँ नहाने के लिए। कल रात में बोल दी थी मामा मैं स्कूल जाऊंगी तो भिंडी का भुजिया दे देना, तो मैं सुबह उठ के बना दी, सुबह उठी भी ब्रश भी की, करने के बाद उसे पूरा उल्टी होने लगा और थोड़ा फीवर भी आ गया है, तो खिला देती हूँ उसे। चल लगला ये खा लो ना, फिर डॉक्टर पास लेके जाएंगे। आ जा, अरे अर्थ नजदीक आ ना। चलो अभी मैं नहा चुकी हूँ और पूजा भी कर चुकी हूँ, तो अब जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज किट्टू तो गई नहीं है, तो वो अभी आराम कर रही है खाना पीना खा के, और जब तक बेद आता है तब तक मैं लंच बना लेती हूँ। लंच रेडी हो चुका है और किट्टू पापा को भूख लगी है, तो लंच दे देती हूँ उनको। और आज का लंच भी देख सकते हैं क्या है, बस सिंपल ही है। आज का लंच में है ढेर सारा सैलेड और रोटी सब्जी, मिक्स वेजिटेबल है ये, जिसमें है बैगन भी है और शिमला मिर्च है, थोड़ी सी कद्दू थी कद्दू भी डाली हूँ, और ये भिंडी और आलू की भुजिया है और दही है। क्या कर रही है तुम, ठीक हो गया तबीयत? नहीं, क्या कर रही है बेटा, ऐसा मत करो, गंदा ही कौन सा गंदा दिख रहा है। क्या सरप्राइज है मेरे लिए, स्कूल नहीं गई तो सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ मेरे लिए। ऐसा मत करो, चलो अभी आराम करो, अभी ट्यूशन जाना, अभी जितना आराम करना कर लो। ट्यूशन नहीं, ऐसा नहीं करते। A few moments later. 6:15 हो गए हैं और अभी भी लाइट है, फिर भी घर का लाइट जला देती हूँ और बच्चे लोग को दूध दे देती हूँ और हम लोग ग्रीन टी। मोबाइल देख ली, उसके पापा सो रहे हैं, वेद भी सो रहा है, पूरा अंधेरा है उधर। ठीक है जा भैया, दे देती हूँ। साथ हो गए हैं और मैं रेडी हूँ, और आज मंडे तो मेरा फास्टिंग है, तो मैं सुबह नहीं जा पाई थी मंदिर, तो अभी मैं जा रही हूँ। बहुत कमाल के काम की है, क्योंकि मैं हर मंडे जाती हूँ ना मंदिर, तो उसे लगा कि मम्मा को ना जाना पड़े तो घर में ही शिवलिंग बना दिए। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, देख सकते कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन घर में सुनते हैं कि नहीं रखना चाहिए, इसके लिए मैं उसे पानी में विसर्जन करने वाली हूँ। 100 के रूप में भी शायद नहीं रखना चाहिए, बहुत ही सुंदर बनाई है, देख सकते हैं नजदीक से। 100 के रूप बनाई है किट्टू क्ले से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलो बैठो बैठो, आगे बढ़ जाओ, आगे आगे आगे। हम लोगों का मंदिर में पूजा हो चुकी थी और किट्टू को पानी पूरी खाना था, तो किट्टू पानी पूरी खा रही है। पहुंच गए हैं और कभी भी घर पहुंचे थे। हस्बैंड जी गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड मिल गई थी, बातें करने लगे थे, गुस्सा कर रहे बहुत। फास्टिंग है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, अभी बच्चों लोग के लिए रोटी बनाती हूँ। हो गया है और किट्टू को बहुत जोर से भूख लगी है, तो दे देते है, वे तो खा रहे। अरे बेटा मैं नहीं खिला पाऊंगी, मुझे भूख लगी है। अब लोग मैं यही पेंट करती हूँ, और आज तो किट्टू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। और उसका भाई तो सो गया और किट्टू पापा गए ड्यूटी। चुप रहेगी, बोलने देगी। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
ऐसे जान बूझ के कर रही है वो। बाय बाय।